सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आगे मैं और एक नया एडिट के साथ, ये वाला एडिट भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आएगा मुझे पता ही है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, और जो मैंने बैकग्राउंड यूज़ किया इसमें तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में आप लोगों का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर सिंपली डाउनलोड करना और एडिट करना। और मैंने इसको कैसे बनाया वही आज आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ठीक है, तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ऐसा ही रोज़ रोज़ नया वीडियो में लेकर आता हूँ आप लोगों के लिए, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लास्ट में एक लाइक कर देना और एक कमेंट कर देना अच्छा सा, ठीक है। तो उसमें मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो ठीक है, और ज़्यादा बकबक नहीं करूँगा। तो वीडियो को चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप क्या करोगे, अपनी ऑटोडिस्क एप्लीकेशन ओपन करोगे, ठीक है। तो गाइस, मैं अपना ऑटोडिस्क ओपन कर लिया और मेरा जो बैकग्राउंड है मैं उसको भी यहाँ पर लेकर आ गया। तो मैं इस बैकग्राउंड का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको डाउनलोड कर लेना और सिंपली अपना एडिट करना, ठीक है। और मैंने जो अभी बैकग्राउंड जो कैरेक्टर है अभी उसको ले आता हूँ, और अभी मैं दिखाता हूँ आप लोगों को कि मैंने इसको कैसे इतना अच्छा बनाया, ठीक है। तो सिंपली मैं अपना कैरेक्टर को भी लेकर आ गया, देख ही सकते हो आप लोग। तो इसको ले आने के बाद आप क्या करोगे, अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेना, ठीक है। तो आपका पिक्चर अगर ऐसा है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो आप देख लेना कि, या फिर एडजस्ट कर लेना आप अपने हिसाब से, ठीक है। तो एडजस्ट करने के बाद आप क्या करोगे, तो पहले तो आप इसको नीचे के जो शैडो है उसको क्लियर करना पड़ेगा आप लोगों को। तो इसके लिए आप क्या करोगे, तो एक एक्स्ट्रा लेयर ले लेना, उसके बाद आप ये वाला ब्रश को सिलेक्ट करना। इसके सिलेक्ट करने के बाद इसको 100% कर देना, और तो रखने के बाद क्या करोगे, यहाँ पर जाके ब्लैक कलर को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। ब्लैक कलर को सिलेक्ट करने के बाद अब सिंपली यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करना, देख सकते हैं मैं कैसे कर रहा हूँ। तो सिंपली आप भी बिल्कुल वैसा ही ड्रॉ करना, तो आप लोगों को भी अच्छे से हो जाएगा। तो मैं दिखा रहा हूँ, तो अगर इसमें कुछ ज़्यादा भी हो गया तो कोई बात नहीं, अब इसको बाद में सही कर सकते हो, ठीक है। तो देख सकते हो मैं इस पर ऐसे कर रहा हूँ और शैडो दे रहा हूँ, तो इसलिए इधर उधर भी थोड़ा सा चाहे तो आप दे सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। तो लग रहा है थोड़ा ज़्यादा, तो इसको कम भी कर सकते हो आप, या इसको थोड़ा कम कर दिया तो देख सकते हो कम भी हो गया थोड़ा सा, ठीक है। तो मैं इतना रख देता हूँ पहले। और अभी क्या करेंगे, अभी ये वाला जो एडिट मैं कर रहा हूँ, इस वाले एडिट को करने के लिए एक मेन चीज़ सब लोगों को करना पड़ता है, वो है जो इसका बैकग्राउंड है उसमें एक लाइट पीएनजी ऐड कर दो आप लोग, तो आप लोगों को मतलब दिखने में पिक्चर को एक अट्रैक्टिव लुक लाएगा, ठीक है। तो मैं वो इस समय, तो आप इसको सिंपली यूज़ कर सकते हो अपने एडिट में। तो देखो ये है वो पीएनजी, ठीक है, जिसको मैं इसके पहले भी यूज़ किया था और पहले वीडियो में इसका लिंक भी दिया था, ठीक है। तो आप चाहे तो वो वाला भी बहुत ही अच्छा है, वो वाला एडिट भी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। तो सिंपली देखो मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ लाइट को, तो देख सकते हो इसको ऐसे कर दिया, तो दिखने में क्या एक अट्रैक्टिव लुक लगेगा, अभी नहीं लग रहा है लेकिन लगेगा, देखो वीडियो को पूरा देखो तो समझ जाओगे, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, और एक एम्प्टी ले लेंगे, इसके ऊपर कर देंगे इसको क्या करेंगे, ओवरले पे सेट करेंगे ओवरले, ठीक है। और अभी क्या करेंगे, इसको जाके इधर से ये जो सिलेक्ट वाला ऑप्शन है इसमें क्लिक करना और इसको ऐसे सिलेक्ट कर लेना, देख सकते हो मैं कैसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, सिंपली ऐसे आप भी सिलेक्ट कर लेना पूरा पिक्चर को, ठीक है। तो सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों का जो काम है थोड़ी इधर से वो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया, शैडो भी आ गया था तो अभी हो गया, देख सकते हो आप लोग। तो अभी जो ओवरले मतलब इसको एम्प्टी लेयर है इसको सिलेक्ट करना, उसके बाद क्या करना, यहाँ से इसको वाइट कलर में सिलेक्ट करना और यहाँ से ब्रश में जाके यही वाला ब्रश आप लोग रखना, ठीक है। तो रखने के बाद अब क्या करोगे, ब्रश का साइज को अपने हिसाब से सही कर लेना, अभी ऐसे इसको ड्रा करना, देख सकते हो मतलब जो पीछे का जो लाइट है लगना चाहिए कि यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है, तब ये वाला दिखने में अच्छा लगता है। तो देख ही सकते हो आप, अब लगेगा इसमें अट्रैक्टिव लुक, और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा पिक्चर, देख सकते हो। यही मैं आप लोगों को समझा रहा था कि इस वाले जब एडिट करना ये वाला ऐसा पिक्चर, मतलब आप भी अगर चाहते हो ये सब वाला एडिट करना जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग में चल रहा है आजकल, तो इसके लिए आप लोगों को ऐसा करना पड़ेगा। अगर ऐसा करोगे तभी दिखने में आप लोगों का अच्छा लगेगा, नहीं तो अच्छा लगेगा फिर भी मैं दिखा रहा हूँ ऐसे करके, तो ज़्यादा अच्छा लगेगा ना, देख सकते हो कितना अच्छा लगेगा, अभी से इतना अट्रैक्टिव लुक लग रहा है, अब देख कर समझ सकते हो, बोलने की ज़रूरत नहीं है मुझे। अभी सिलेक्शन किया हुआ हूँ मैं, तो सिलेक्शन को हटाने के बाद आप लोगों को दिखा रहा हूँ तो कैसा लग रहा है, देखो देखो ना अभी से मतलब एक अच्छा अच्छा लुक लग रहा है। अभी क्या करना, और एक एम्प्टी ले लेना, उसको भी ओवरले पे सेट कर लेना, ओवरले पे सेट करने के बाद अब क्या करोगे, इसको वाइट कलर में रहने देंगे, इसको इतना भी रखने देंगे और ऐसे डॉज इफेक्ट डालना, जस्ट डॉज डालना तो आप लोगों को आता ही है, अगर नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से जाकर सीख लेना, ठीक है।
ये डॉल्स कैसे डालते हैं, देख ही सकते हो। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ लाइट लग रहा है कि ज़रूरत है आप लोगों को, तो आप वहाँ इसको अप्लाई कर देना सिंपली, देख सकते हो फिर सही लग रहा है। अभी देखो कैसा ही लग रहा है, एक मतलब अजीब टाइप सा, तो इसको बाद में हम सही करेंगे, तो कैसे सही करेंगे वो भी हम दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो बस एम्प्टी लेयर और एक लेना, बस यहाँ पर जितना चाहे आप लेयर भी ले सकते हो, तो ज़्यादा कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लेयर में इसको करने का, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लेयर में करोगे तो आप लोगों का ही फ़ायदा होगा, मतलब अच्छा होगा, करने में भी आप लोगों को फ़ायदा होगा। इसलिए मैं ज़्यादा लेयर लेके मतलब एक एक पार्ट को डॉज एंड बर्न इफेक्ट डाल रहा हूँ इसलिए। तो आप लोग भी अगर ऐसा ही करोगे तो आप लोगों का भी एकदम अच्छे से अच्छा हो जाएगा और दिखने में भी अट्रैक्टिव लुक लगेगा। तो और एक मैं प्लेयर लेता हूँ, इसको भी ओवल पे सेट करता हूँ और इसको ब्लैक कलर फिल करता हूँ। अभी क्या करेंगे, हम ब्लैक कलर को फिल करेंगे, मतलब बर्न इफेक्ट जो कि आप लोगों को पता ही है, देख ही सकते हो बर्न इफेक्ट डाल रहा हूँ। दिखने में एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा ये वाला, देख सकते हो। मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ इसको, ठीक। तो मैं वीडियो को थोड़ा सा फास्ट करके दे रहा हूँ, ठीक है आप लोगों। तो गाइस अगर आप लोगों को कहीं पर लग रहा है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो आप ऐसे इसको कम भी कर सकते हो, मतलब इसको ऑपोजिट को कम करके इसको कम भी कर सकते हो। देखो अभी काफ़ी हद तक सही लग रहा है, अभी इसको करेंगे ऐसे हम सेव कर लेंगे, और सेव करने के बाद जाएंगे लाइटरूम एप्लीकेशन पे, वहाँ पर जाके इसको करेंगे कलर। तब तक भी आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए कि मैं कैसे क्या कर रहा हूँ, तभी आप लोगों को पता चलेगा कि एडिट ऐसा वाला एडिट आप कैसे बना सकते हो, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो मैं लाइटरूम पे इसको लेकर आ गया, तो अगर मैं इसका प्रीसेट भी आप लोगों को दे दूंगा, तो मैं अभी दिखा रहा हूँ कि कैसे इसको कलर करोगे आप लोग, तो अगर सीख जाओगे देखकर तो आप लोगों का ही फ़ायदा है, इसलिए मैं इसको दिखाता हूँ पूरी तरीके से, ठीक है। नहीं तो मैं डायरेक्टली प्रीसेट अप्लाई कर देता और मेरा काम कम्प्लीट हो जाता, क्योंकि मैं ऐसा नहीं करता हूँ, आप लोगों को कुछ सिखाना चाहता हूँ, इसलिए मतलब खुद से कुछ करो इसलिए मैं दिखा रहा हूँ, नहीं तो कौन दिखाएगा भाई, प्रीसेट मारो और ख़त्म करो झंझट को। तो वीडियो को देखते रहो आप लोग, शायद आप लोगों को ठीक पसंद नहीं आ रहा है, मेरा वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आप लोगों को पसंद नहीं आ रहा है शायद। तो अच्छा करने के लिए भाई टाइम तो लगेगा ना थोड़ा, इसलिए तो यहाँ पर ही मेन चीज़ जो कि आप लोगों को थोड़ा समझना पड़ेगा भाई, इसको प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा समझना, इसको समझ जाओगे तो बस काम हो गया। आप अपना देख सकते हो इसको थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा अरे किधर हो गया भाई, इसको इधर से थोड़ा सा, हाँ देख सकते हो मेरा कंप्लीट हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा डालेंगे और इसको ऐसे कर देंगे। आप लोग अगर चाहे तो इसको नीचे से थोड़ा सा ब्लैक भी कर सकते हो, इसके लिए क्या करोगे, इसको सिंपली ऐसे फिट करोगे, देखो अभी इसको थोड़ा सा क्लिक करोगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे। तो अभी क्या करेंगे, देखो इसको छोटा करेंगे, ऐसे छोटा करने के बाद अब ऐसे जस्ट नीचे से इसको करना, ठीक है, नीचे से रैक कर देना थोड़ा सा, बस हमारा काम कंप्लीट हो गया, देख सकते हो। तो लग रहा है एकदम बहुत बढ़िया, और अगर इसको आप स्मूथ करोगे अभी तो और भी गजब लगेगा पिक्चर को। तो मैं थोड़ा सा स्मूथ करके भी दिखा देता हूँ कि कैसा लगता है, तो आप लोग समझ जाओगे अच्छी तरीके से, ठीक है, कि ये वाला एडिट हमने कैसे किया और आप कैसे करोगे, ठीक है। तो रुकिए थोड़ा सा और, तो गाइस मैं पिक्चर को कलर करने के बाद मैं फिर से इसको यहाँ पर लेकर आ गया, देख सकते हो ऑटोडेस्क में, और इसको डुप्लीकेट कर लिया है। डुप्लीकेट करने के बाद अब क्या करोगे, इस वाले ब्रश में जाओगे, इस वाले ब्रश में जाने के बाद इस दोनों को 1% रखोगे और साइज को अपने हिसाब से करना, उसको तो पता ही आप लोगों को। तो अब ऐसे ऐसे करना, जस्ट देख सकते हो स्मूथ कैसे करते हैं, अगर आप लोग स्मूथ करो तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहाँ से जाके सीख सकते हो, मतलब एकदम HD में कैसे बनाए कोई किसी भी पिक्चर को। तो
वो भी मैंने डिटेल डाल के रखा पहले से, तो आप जाके चेक कर लेना मेरे प्रोफाइल को, मतलब बहुत कुछ एडिट है मेरे प्रोफाइल में, आप चाहे तो देख सकते हो। तो सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि यहाँ पर ऐसे वीडियो तो मैं रोज लाता हूँ नया नया। तो अच्छा सा कमेंट करता हूँ वीडियो अगर अच्छा लगे आप लोगों को, अगर अच्छा नहीं लगा तो मत लाइक करो, कोई बात नहीं रही। तो गाइस स्मूथ करने के बाद देखो बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है पिक्चर दिखने में, तो मैं यहाँ पर भी थोड़ा सा स्मूथ कर देता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ फिर। तो आप लोग अच्छे से करना और भी स्मूथ, मैं आप लोगों को जल्दी जल्दी करके दिखा रहा हूँ इसलिए क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, इतना ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप लोगों को पसंद नहीं आएगा, इसलिए मैं जितना जल्दी हो सके आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ ये वाला एडिट। तो देख सकते हो फेस को अभी कैसा लग रहा है, आप खुद ही बोलो, कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है इसका फेस दिखने में। तो जल्दी से जाओ और एक अच्छा सा कमेंट कर दो कैसा लग रहा है। और बस आज के लिए वीडियो इतना ही, मिलते हैं अगले और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए आप लोग और मुझे बहुत सारा सपोर्ट करो, ठीक है। तो चलिए बाय बाय।